बना रही है खाना। क्या बन रहा है? गुड मॉर्निंग गाइस, पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग और वेलकम टू एलसीडी डे टू वेट लॉस जर्नी। और वेट लॉस जर्नी तो है ही, उसके साथ मदरहुड की ड्यूटी भी है। दिबू रेडी है अपने स्कूल जाने के लिए, तो मैंने खाना बना लिया है। ऑलमोस्ट पनीर की भुर्जी तैयारी करी है, मटर पनीर की भुर्जी। ये रेडी हो रहा है मेरा पानी, जिंजर और कच्ची हल्दी का पानी, जो कि मैं अपने वेट लॉस ड्रिंक में लूंगी। अभी दीवो को भेज देती हूँ, फिर आराम से बैठकर पीऊंगी पानी थोड़ी देर के लिए, एंड देन आई गेट बैक टू माय रूटीन वर्क। लेकिन सबसे पहले इसको भेजना जरूरी है स्कूल के लिए। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। मैं क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या लेके जाऊंगी, क्या खाऊंगी, चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। अपना जिंजर वाटर पी रही हूँ, जिंजर कच्ची हल्दी और शहद का पानी है ये। और आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम दीपक जी आप सबको हाई कर रहे हैं। और बस गाइस, ये पी के मैं गेट बैक टू द रूटीन, मेरा किचन रूटीन, क्योंकि अभी लंच बनाना है। लंच में बना रही हूँ मूंग दाल पालक, यू नो हेल्दी हेल्दी हेल्दी। तो मूंग दाल पालक और पनीर की भुर्जी बनाई है मैंने लंच के लिए। ब्रेकफास्ट में दीवू चली गई स्कूल पनीर की भुर्जी और रोटी लेके, वो मूंग दाल पालक आके लंच में खाएगी, स्कूल आए से घर आएगी जब, एंड हम लोग लंच में लेकर जाएंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और मुझे एक चीज जो करनी है वो ये कि अपनी किचन, अपनी उठने की जो रूटीन है, मॉर्निंग गेटअप रूटीन जल्दी करनी पड़ेगी। मैं बहुत लेट उठ रही हूँ आजकल, आई रियलाइज की मैं बहुत लेट उठ रही हूँ, पर धीरे धीरे आदत ठीक करनी पड़ेगी। धीरे धीरे नहीं, कल से ही लो आधा घंटा पहले उठूंगी मैं अपने रूटीन टाइम से, सो दैट कि मुझे ये जो पानी अभी पीना पड़ रहा है वो मैं उस टाइम आराम से तसल्ली से पी लूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी अंदर पोछा लग रहा है, पंखा चल रहा है, अब मैं अंदर बैठ के पी नहीं सकती, बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है कि बैठ के पीऊँ, तो मैं अब खड़े होकर पी रही हूँ। आई नो कि पानी बैठ कर पीना चाहिए, बट अभी मजबूरी है मेरी और मुझे ध्यान भी रखना है। तवा भी चढ़ाया है, चाय भी चढ़ाई है और दाल भी चढ़ाई है, तो सबको चढ़ा दे, एक नज़र मेरी वहाँ पर भी है। तो फटाफट से फिनिश करते हैं एंड गेट बैक टू द रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स। चाय तो मैं पी नहीं, मैं तो पानी पी। सो आपको क्या लग रहा है, मैंने वेट लॉस जर्नी दोबारा से शुरू कर दी है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। बेइज्जती कर रहे हो मेरी या अच्छी बात बोल रहे हो? बेइज्जती कर रहे हो, सोच सोच कर पर आगे। और वेट लॉस के लिए तुमने जर्नी स्टार्ट करी, फिर हिमालय में लाया था वो? नहीं, तो कम बोलो। नहीं चाहिए मुझे। हे गाइस, तो मैं आटा मलने जा रही थी सबके लिए, पर मेरा जो आटा है रोटी का वो अलग मलूंगी, उसमें क्या क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो कि है सिंपल कार्ब, इसे नहीं खाना चाहिए। तो हम इसे कैसे खाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे लिए नॉर्मल आटा, ये लिया मैंने ब्रान, ये है ब्रान। ब्रान बोलते हैं भूसी को, जो मतलब कि आटे को छानने के बाद निकलता है ना वो। ये लिया मैंने इक्वल मेजरमेंट से लिया है, ये रहा मेरा ब्रान। ये रहा सोया आटा, सोया आटा प्रोटीन रिच होता है, ब्रान जो जो आटा होता है वो डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। इक्वल क्वांटिटी से लिया मैंने सोया आटा। अब बस जैसे नॉर्मल आटा बनते हैं ये सेम नॉर्मल आटे की तरह मला जाएगा, तो मैं एक बार मल लूं और फिर आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक, मैं आ गई हूँ ऑफिस और आज लेट हो गई हूँ। दो चीजें हैं, पहला कि नीचे हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई तो फ्यूनरल की वजह से बहुत ज्यादा रश था, तो मैं सोच रही थी कि जितना अवॉइड करूँ, जितना लेट से निकलूँ उतना सही है, जब तक सब कुछ हो जाएगा, बट लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था।
और दूसरा मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और सुबह ही हुए हैं काम करते करते ऑफिस में, मतलब रसोई में सुबह काम करते करते ही हुए हैं जब आपसे बात कर रही थी। मैंने कहा यार ये सही है यार, एक तो मतलब पुनौती लगी जाती है, काम करते कुछ अच्छा शुरू करो और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मुझे लग तो रहा था कि हाँ, जिस तरह से ब्लॉटिंग वगैरह 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, हो गई थी, तो थोड़ा सा मेरी को लगा कि ऑब्वियसली फर्स्ट डे सबका ही हैवी होता है, बहुत हैवी होता है पीरियड का। तो मैंने कहा दीपक जी आप ऑफिस जाओ और मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करूंगी, मेरे से इतनी जल्दी जल्दी होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना हैवीपन लगता है, तबीयत खराब हो रही है, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, और मेरे को तो इतना ज्यादा ना वो हो जाता है, सांस फूलने लगती है जब मेरे को पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा दीपक जी आप जाओ, मैं अपना काम धीरे धीरे करूंगी और ऑफिस आराम से जाऊंगी, आप चले जाओ। तो दीपक जी सुबह चले गए थे और उसके बाद मैंने धीरे 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 अपना काम किया और मैं आराम से ऑफिस आई हूँ। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, आपको बता दो सच में अभी कुछ नहीं खाया है। तो मैं अपने साथ 2 लंच लेकर आई हूँ, पहला लाई हूँ 2 रोटी, जो आटा मैंने आपको दिखाया उसकी 2 रोटी और पनीर की भुर्जी, और दूसरा लाई हूँ मैं 1 दाल, पूरा दाल पालक। तो 2 बार लंच करने के लिए, तो अभी बज रहे हैं 12:45। सबसे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। तो जो मैं खा रही हूँ वो ये है, मैं दिखा देती हूँ 1 सेकेंड। वो ये है, इसकी रोटी थोड़ी ऐसी बनती है, तो ये रोटियां हैं, 2 रोटी लाई हूँ और पनीर की भुर्जी है जो कि मैं खाऊंगी अभी, और दाल पालक मैं लूंगी 2:30, 2 o'clock के अराउंड अगर भूख लगेगी तो। चलिए तो सबसे पहले फिनिश कर लेती हूँ। हे गाइस वेलकम बैक, और मैं खा रही हूँ मेरी मूंग दाल पालक की जो दाल थी वो, आपको दिख रही है, दिख रही है, गिर जाएगी। तो मेरी दाल मैं खा रही हूँ, सो ये दाल फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ शाम को ऑफिस टाइम के बाद। स्पून से दाल खाने से अच्छा ऐसे खाओ, बड़े अच्छे लगते हैं दाल, और प्रोटीन और फाइबर, पालक वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। गाइस वेलकम बैक, जस्ट अभी आई हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 8:10 और मैं बहुत लेट हो गई ऑफिस से आने में। ये रही हमारी मम्मी, मम्मी आए बोल दो सबको। मम्मी बिचारी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ढीली है तबीयत मम्मी की, सर्दियों में सबका हाल एक जैसा ही है। और बस ये रही दीपू रानी, से हेलो टू एवरीवन दीपू। सो चलिए अभी आई हूँ, देख लेती हूँ अपनी रसोई, थोड़े कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ कि आज मैं अपने डिनर में क्या बना रही हूँ। सो लेट्स डू, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लें, किचन देख लूँ मैं अपनी थोड़ी सी कि भाई क्या क्या है, क्या बनाना है, क्या करना है, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक मैं अपना फोन चार्जिंग पर लगा लेती हूँ। हे गाइस वेलकम बैक, तो चेंज मैंने कर लिया है और दीपक जी को भूख लगी है, खाना तो सब कुछ सुबह वाला ही है, बस मैं अपने लिए बनाऊंगी डिनर के लिए। लेकिन रोटी क्योंकि दाल और सब्जी बनी हुई है सुबह वाली खा लेंगे सब, साथ में ये कबाब फ्राई कर रही हूँ तो ये लोग ये खाएंगे, साथ में मुझे बनानी है रोटी और चावल, तो रोटी चावल बनाने जा रही हूँ। अपने डिनर के लिए मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज काट के रखी है, तो हम बनाएंगे चिली मशरूम और चिली पनीर से होता है चिली मशरूम, कुछ हेल्दी वर्जन में और अच्छी तरीके से। चलिए अभी बनाते हैं थोड़ी देर में, फटाफट से पहले एक तरफ रोटी सेक लेते हैं
चावल बना लेते हैं और कबाब मैंने एक्चुअली फ्राई ऑलमोस्ट कर दिए हैं, तो ये लोग पहले कबाब खाएंगे। बेटा फ्रिज में चटनी रखी है, निकाल लो हरी वाली। और सो गाइस चलिए, सबके पेट पूजा मैंने करा दी है, सबकी छोटी मान छोटी वाली जो शाम की भूख होती है, जो ऑफिस से आने के बाद लगती है, वो सबकी शांत हो गई है। तो मैं बना लेती हूँ आराम से अपना खाना, मेरा डिनर, क्योंकि मैं बहुत तेज भूख लग रही है मुझको। सो अपने डिनर में आप कहोगे यार ये कौन सी डाइट हो रही है जिसमें बटर जा रहा है, बट मैं लूंगी लिटिल बिट ऑफ बटर, इतनी सी पिंच ऑफ बटर। एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, जो कि नहीं लेनी चाहिए मुझे पता है, एक चम्मच भी नहीं है गाइस, ये देखो एक चम्मच भी नहीं है, जिससे कि बस हमारा बटर ना जले। अब ये गर्म हो गया है, हम इसमें कर लेते हैं अपने प्याज को अच्छे से सॉटे। बहुत अच्छे से अपने प्याज करेंगे अपने मशरूम को सॉटे। लेट्स डू इट गाइस, क्योंकि मशरूम पानी बहुत छोड़ेगा मशरूम पानी, तो हम इसे लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट डाल के ढक देंगे। चलिए तो लिटिल अमाउंट ऑफ अपना डालते हैं, नमक मिलाते हैं और साथ के साथ शिमला मिर्च भी डाल देते हैं सॉटे होने के लिए, ढक देते हैं। मिलती हूँ 2 मिनट बाद आपसे। चलिए गाइस, तो बीच बीच में से मैं उठा उठा के देख रही थी, लेकिन अब आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो सॉफ्ट हो गए हैं। अब चिली पनीर में 2-3 सॉसेस जाते हैं, तो वो सॉसेस डाल लेते हैं, थोड़ी सी रेड चिली डाल लेते हैं, चलिए तो कैसे थोड़ा सा रेड चिली मिलाया, तो यहां पर 1 चम्मच मैंने ले लिया रेड चिली सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस इसमें डालूंगी, थोड़ा सा पानी, चलिए और इसको ढक देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मेरे साथ साथ रेडी हो गया है बाकी सबका खाना भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे रोटी और राइस बनाना था, तो यहाँ पर हमारे यहाँ चावल जो है पसा के पानी निकाल के बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं चावल बन चुके हैं, पानी निकाल रही हूँ। अच्छा, ये पानी भी बहुत अच्छा होता है, पता है जो माड़ निकलता है, हमारे में माड़ बोलते हैं, आप लोगों में क्या बोलते हैं मुझे बताना। तो चावल बन के देखो कितने बढ़िया से गर्म गर्म रेडी है, विंटर्स में वैसे भी गर्म गर्म खाना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, कुछ गर्म गर्म देख के बहुत मजा आ जाता है। तो और यहाँ पर मैंने बनाई फिर मम्मी के लिए दूध, बिकॉज मम्मी कह रहे थे कबाब खिला दिए थे मम्मी को, तो मम्मी कह रही मैम मैं डिनर नहीं करूंगी तो तुम मुझे दूध दे दो, तो मैंने मम्मी के लिए बनाया दूध और बस दिव्या को दिया कि जाओ ले जाके दादी को दे दो दूध। फिर मैं आ गई बैक गेट बैक टू अपने दोबारा से काम पे, देखा कि क्या अब मेरा बना है कैसे बना है, तो चलिए दिखाती हूँ।
तो इसमें देखा तो अभी थोड़ा सा पानी था और मुझे बिल्कुल सूखा सूखा ड्राइनेस वाला चाहिए था। आप चाहो तो ऐसे में भी निकाल सकते हो, इसका खुद का पानी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्ट लगता है, सूखी लगता है पीने में, बट मुझे थोड़ा ड्राइनेस वाला चाहिए था बिल्कुल सूखा सूखा, तो मैंने थोड़ा सा और ढक दिया ऐसे कि अभी होगा। और तब तक क्योंकि चावल वगैरह बन चुके हैं तो खाने में सिर्फ दिव्या और दीपक जी खाएंगे, तो मैंने खाना निकाल दिया, दीपक जी का भी दिव्या को दिया कि बेटा दिव्या इज रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि काम पे से आके काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची मेरी बहुत हेल्प करती है मेरी, इधर ले जाके सबको खाना देना, लेने आना, किचन से कुछ दे के जाना, ये बहुत छोटे बच्चे की हेल्प हो जाती है, बहुत बेटिया मेरी बहुत हेल्प करती है। तो बस ये लेके गई अपने पापा का खाना और खुद का खाना। सो गाइस यहाँ पर अब आ जाइए, तो मेरा भी बन चुका है और यह मैंने निकाल लिया अपनी प्लेट में अपना भी डिनर, तो बाकी सब डिनर दे दिया निकाल दिया और मैंने निकाल लिया अपना भी डिनर। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस ये मेरी यम्मी चिली पनीर की रेसिपी बिल्कुल रेडी है और आप लोग जरूर ट्राई करना, ये वेट लॉस रेसिपी है, मैंने बनाई है, हाँ थोड़ी थोड़ी इधर उधर से ली, बिकॉज क्या होता है ना, मैंने अभी हमने कल से जर्नी स्टार्ट करी है और हम इतने दिन से एक महीने से कुछ ना कुछ खा रहे थे अच्छा 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 अपने मन का, तो वो तो क्रेविंग है एकदम से जो आपको बहुत परेशान करेगी स्टार्टिंग में, तो कुछ अच्छा कुछ गर्म गर्म कुछ मजेदार मिल जाए तो हम ये बना के खा सकते हैं। ट्रस्ट में ये बहुत हेल्दी है और ये आपको नुकसान नहीं करेगा अगर आपने मेरी रसी डाइट फॉलो करी है। तो अमेजिंग गाइज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, इसमें सिर्फ सोया सॉस की कमी है जो मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली, वो भी डल जाएगी, कंप्लीटली रेडी है। चलो चलिए डिनर करते हैं, दीपू को पढ़ाना है। मैं तो नहीं खिलाऊंगा, मैं जबरदस्ती लाऊंगी, अब क्या करोगे, अब तुम दोनों की मस्ती हो गई हो तो पढ़ने बैठ जा बेटा। सो गाइस सबका डिनर वगैरह हो गया, हमने डिनर कर लिया और मैं आ गई अब दिव्या को पढ़ाने के लिए। तो ये जो वीडियो शूट कर रही है हमारी दीपू रानी कर रही है। अब आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली आपको पहले से ही पता है कि दीपू के एग्जाम चल रहे हैं, उसकी रिवीजन चल रही है, तो उसके रेगुलरली अलग अलग टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट के। तो फिलहाल मैं करवा रही हूँ उसको मैथ्स की प्रैक्टिस और आज आपको मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे पढ़ाते हो, तो मैं बताऊं मेरे सिंपल एक फंडा है। देखिए जैसे दिव्या का जो पेपर है ना वो शेप्स का आया, तो शेप्स में मैंने उसको क्या करवाया, शेप्स बनाए दिए और उसमें लिखा है कि वो नेम्स बताए, उसके वर्टिसेस बताए, उसके एजेस बताए, उसके फेसेस बताए, पिक्चर बना दी। अब नेम भी बच्चे को याद हो जाएगा इससे, उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल बात मैंने आपको बताया कि चैप्टर की कैसे रिविजन करवाते हैं, तो ये रिविजन है। प्लीज कपड़ों को अवॉइड कीजिएगा मेरे साइड से, बिकॉज ठंड की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे और वो जगह जगह घर में लाके डाले जा रहे हैं सुखाने के लिए। सो बस यहां पर मैं इसकी रिवीजन करा रही हूँ। अरे एक बेस्ट वे होता है, सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ गाइस, जब बच्चे बड़े होते हैं उनके पास सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको कुछ और अलग कराने के लिए उनपे और अलग बर्डन डालने से बेटर है कि जो बच्चा स्कूल से पढ़ के आए वही आप ट्यूशन में रिवाइज करवाइए और जो ट्यूशन में पढ़ के आए वो खुद भी जरूर देखिए। सिर्फ स्कूल और ट्यूशन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को। आई नो कि वो बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन एक पेरेंट्स को अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या करके आ रहा है, कितने मार्क्स ला रहा है, कैसी उसकी स्टडी रेगुलर। और बच्चे को भी इससे रहता है कि नहीं, एक डर भी होता है और ये भी होता है कि हाँ मम्मा मुझे पढ़ाएगी या मम्मी मुझे पढ़ाएगी, पापा मुझे पढ़ाएंगे, हूएवर इज, बट बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। तो चलिए गाइस होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये सारी चीजें पसंद आई होंगी और
ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दीपू को भी समझा रही हूँ कि उसको क्या करना है इस टेस्ट में। चलिए गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस, प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।